उन्होंने ये भी कहा कि मंगल सूत्र छीन कर महिलाओं का घुसपैठियों को दे दिया जाए। मैं मंगल सूत्र पर दो मिनट जरूर बोलना चाहूंगी और उसके बाद मैं कुछ कहूंगी। ये जो बयान मोदी जी ने दिया ये नहीं देना चाहिए था, इसलिए नहीं देना चाहिए था। और मैं व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ उनकी अपनी है। उन्होंने भले दाम्पत्य का सूत्र ना निभाया हो, लेकिन इस देश में करोड़ों महिलाओं ने, करोड़ों पुरुषों ने दाम्पत्य का, पति पत्नी होने का बड़ा पवित्र संबंध निभाया है। हर मुश्किल में, हर तकलीफ में एक दूसरे के पूरक बन के खड़े होते हैं। जब एक औरत मंगल सूत्र पहनती है ना, किसी भी तरह का पहने, वो सोने का हो, वो टिकड़ी हो, वो धागा हो पहन ले, वो सिर्फ काले पोत की चेन हो, वो कहीं ना कहीं अपने वो जीवन पर्यंत अपने पति को, अपने सुहाग की निशानी को पहनती है। और ये कहना कि आपके मंगल सूत्र को लेके किसी और को दे दिया जाएगा, ये बड़ा घटिया था। ये ब्याहताओं के खिलाफ एक बहुत गंदी घिनौनी भाषा का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने। और अगर आप कर ही लिया तो प्रधानमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि जो 700 किसानों की शहादत हो गई आपकी जिद के चलते, उन किसानों की, विधवाओं के मंगल सूत्र का क्या किया जाए। जो 20 जवान गलवान में शहीद हुए हमारे जाबाज, उनकी विधवाओं के मंगल सूत्र का हिसाब किसके पास है? उन मंगल सूत्रों का हिसाब कहाँ है जो महिलाएं आज बेरोजगारी और महंगाई से प्रताड़ित होकर, त्रस्त होकर अपना जेवर, अपने मंगल सूत्र गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा लिखा रही है? उन मंगल सूत्रों का हिसाब कहाँ है? और कांग्रेस के मंगल सूत्र की बात करते हैं आप, इंदिरा जी ने वॉर के टाइम पर अपनी सारी ज्वेलरी राजकोष में दे दी थी। सोनिया गांधी जी ने अपना सुहाग इस देश पर कुर्बान होते हुए देखा है 22 साल की उम्र में। कभी सोचा है आप लोगों ने? आप लोग सवाल पूछते हैं और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 22 साल की अबोध उम्र में एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर प्रेमिका बनकर, पत्नी बनकर इस देश में आती है। वो यहाँ पर बहू बनती है, वो यहाँ पर सास बनती है, वो नानी तक बनती है। 23 साल ब्याहता रहती है, 33 साल से वैधव्य का वो दर्द झेल रही है। क्या मिला सोनिया गांधी जी को? मुझे तो लगता है इस देश का कर्ज है सोनिया गांधी पर। आप मंगल सूत्र की बात करेंगे, उनका मंगल सूत्र कुर्बान हुआ है। ये तमाम जो गरीबी से, जो बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र कुर्बान हुए। क्या बात करते हैं मोदी जी! मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी बोलते बोलते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इतना महिला विरोधी होता है, उनकी मानसिकता दिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी कुछ बोलते हैं, चूड़ियां कर देनी चाहिए। चूड़ियां सशक्तिकरण की निशानी है। क्या मतलब है कि आप ये नामर्दगी का मतलब है चूड़ियां पहनना? एक औरत शक्ति का स्वरूप होती है, और शक्ति स्वरूपों की चूड़ियों को कमजोरी की निशानी बताना, ये नरेंद्र मोदी की कमजोरी है, एक औरत की कमजोरी बिल्कुल नहीं है। मुझे कभी कभी उनमें एक बेहद महिला विरोधी आदमी नजर आता है, और वो उनके कृत्यों में भी झलकता है। हमारी सबसे होनहार बेटियां जब मेडल लाती हैं तो मोदी जी सबसे पहले लपक के पहुंचते हैं फोटो खिंचाने, हाथ मिलाने। जब वही बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उन्हीं बेटियों को रौंदा जाता है, उन्हीं को बूटों तले दबाया जाता है, लेकिन संरक्षण मिलता है उनके आरोपी को। नरेंद्र मोदी जी बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, क्यों? वो इस देश की बेटी नहीं है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी इस देश की बेटी नहीं है। हाथरस की गुड़िया इस देश की बेटी नहीं थी। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिसके साथ किया वो इस देश की बेटी नहीं। किस तरह की बातें करते हैं? ये सब चीजें राजनीतिक, मुझे लगता है राजनीतिक भाषा में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सम्मान है आपका दाम्पत्य के सूत्र का? ये इज्जत है आपकी? एक शादीशुदा ब्याहता पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, शर्म नहीं आती है नरेंद्र मोदी जी को?